की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तिरस्पाद सिंह जिंदाबाद, तिरस्पाद सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तू ऊपर करके बोली मैं प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। भाजपा ने जहां 90 सीटों में से 85 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, वहीं अब भी कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारी का दांव पेच बरकरार है। रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह का विरोध करने एवं टिकट कटवाने का आरोप विधायक समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव पर लगाया है। विगत दिनों उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव द्वारा नाम लिए बगैर बृहस्पति सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा था, धोखा देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र में अंबिकापुर से दूसरे बार महापौर बने डॉक्टर अजय तिर्की की चहलकदमी भी रामानुजगंज सीट पर बढ़ गई है। वे लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और आमजनों से मुलाकात कर अपने लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि डॉक्टर अजय तिर्की अपने टिकट को लेकर इस बार आश्वस्त हैं। यही कारण है कि मौजूदा विधायक एवं समर्थकों में टिकट कटने का डर देखा जा रहा है। शायद इसी डर के कारण विधायक समर्थकों ने 9 अक्टूबर को बलरामपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर डॉक्टर अजय तिर्की को बाहरी बताते हुए विरोध किया है। वहीं कांग्रेस से पुनः टिकट की मांग बृहस्पति सिंह के लिए की है। आज जो लोग टिकट में बाधा बन रहे हैं, आप नोट कीजिएगा, ये पाल और सामरी बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन आप लोगों को मेहनत, आप लोगों का लगन, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का परिश्रम से आज इस गढ़ को तोड़ के आज कांग्रेस का गढ़ बनाए हैं। आप पूरे अपने मेहनत से, पसीने से सींच कर जिस पौधा को आप लगाए हैं, जिस फसल को आप उगाए हैं, अगर उसको विनाश करे, उसको कोई काटे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? एक और निर्वाचन आयोग ने जहां छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है, वहीं अब भी राजनीतिक दलों में चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर अभी भी उथल पुथल मची हुई है। बलरामपुर के रामानुजगंज सीट पर कांग्रेस के लिए मौजूदा हालात और भी खराब दिखाई दे रहे हैं। पार्टी की अंदरूनी बातें अब सड़कों पर होने लगी है। अब वर्चस्व की लड़ाई सड़क पर उतर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की एक भी सूची जारी नहीं की है, जिसके चलते लगभग सभी विधानसभाओं में काफ़ी असमंजस का माहौल है। यही कारण है कि डॉक्टर अजय तिर्की एवं उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का विरोध करने बृहस्पति सिंह के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। इस क्षेत्र से 25 साल का सूखा, जो कि 25 साल कांग्रेस इस क्षेत्र से दूर रही, बलरामपुर जिले पर भाजपा का एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त किसने किया? माननीय बृहस्पति सिंह के द्वारा 25 साल के सूखा को समाप्त करते हुए गृह मंत्री को पटकनी देके इस क्षेत्र को कांग्रेस के कब्जे में लाया। आज उनके विरुद्ध कुछ भूल छाप कांग्रेसी षड्यंत्र रचकर पुनः इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो कि आप सभी कार्यकर्ताओं की बुलंद आवाज से हमारा जो हाईकमान है उसको भी पता चले कि इस क्षेत्र को कांग्रेस युक्त कांग्रेस के साथ कौन ला सकता है। ऐसे में सिर्फ एक ही नाम है, वो रामानुजगंज बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से केवल बृहस्पति सिंह ही इस क्षेत्र को कांग्रेस के कब्जे में रख सकते हैं,
बाकी किसी प्रत्याशी में दम नहीं। दरअसल बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह की दावेदारी तो है ही, लेकिन पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर अजय तिर्की ने अपनी दावेदारी दिखाई है, जिन्हें बृहस्पति सिंह के समर्थक अब पैरासूट प्रत्याशी की संज्ञा देने लगे हैं। आज जब आदर्श आचार संहिता की घोषणा की गई, उसके पूर्व ही बलरामपुर जिले के ऑडिटोरियम हॉल के समीप कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस आलाकमान से मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाते हुए कहा कि अगर रामानुजगंज विधानसभा से बृहस्पति सिंह के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दी जाती है तो रामानुजगंज के सभी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से पार्टी के लिए कार्य नहीं करेंगे। हम सारे लोग कितने धक्का मारे वो गाड़ी हाथ कभी नहीं चलेगा, वैसे गाड़ी को हम धक्का मारने से असमर्थ रहेंगे। साथियों, मैं तो प्रदेश स्तर में हमारे मुखिया लोगों को, स्क्रीन कमेटी के हमारे टिकट वितरण के जो पदाधिकारी हैं, उनसे मैं ये अपना आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसे टनाटन गाड़ी को हमसे धक्का लगवाइए जो हमारा गाड़ी घाट चढ़ सके, अन्यथा हमें गलत रेड पिस्टन डाउन जिसके इंजन में कोई दम न हो ऐसा गाड़ी को हमें। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा प्रत्याशी रामविचार नेताम को अगर पराजित करना है तो बृहस्पति सिंह ही भारी मतों से उन्हें शिकस्त दे पाएंगे, उन्हें टिकट दी जाए तभी रामानुजगंज सीट को कांग्रेस जीत सकती है। दरअसल यह बात रामानुजगंज विधानसभा के बलरामपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कही गई। वहीं इस पूरे आयोजन में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें हमारे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, जोन के पदाधिकारी सभी लोग सम्मिलित हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है, चुनाव का समय है और यही चुनावी चर्चा करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए हम लोग यहां पे उपस्थित हुए। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बृहस्पति सिंह को टिकट नहीं मिलने जा रहा है इस बार? नहीं, निश्चित रूप से हाईकमान और जो वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के, उन तक हमारी बात कई माध्यम तक पहुंच चुकी है, उनके ऊपर हम लोगों को पूर्ण भरोसा है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, छत्तीसगढ़ में अभी तक कांग्रेस पार्टी ने टिकट का घोषणा नहीं हो पाया है। आने वाले समय में हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनके हम लोगों के मन में भावना है ठीक कि निश्चित रूप से अब हम लोगों का भी घोषणा होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के कि हम लोग एक बार फिर से चर्चा करें और आपस में लोगों को बता करके कि आगे हमारे चुनाव की रणनीति क्या होगी, इन सब विषयों पर हम लोग आए हुए थे। टिकट मिलेगा, हाईकमान का पूरा आशीर्वाद और सहयोग रामानुजगंज विधानसभा के साथ है, आदरणीय बृहस्पति सिंह जी के साथ है, निश्चित रूप से हम लोगों को टिकट भी मिलेगा और हम लोग जीत करके भी आएंगे। निश्चित रूप से देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कई विशेषाधिकार होता है। मैं समझता हूं कि हम लोगों से ज्यादा समझदारी के साथ और ज्यादा गंभीरता के साथ वो विचार करते हैं। हम सब पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता और नेता भी हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक सोच ये है कि रामानुजगंज विधानसभा में, जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो हमारे पोलिंग बूथ से आए हुए लोग जो थे, उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया और स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो हम लोगों का सोच भी है, कि पैरासूट वाला प्रत्याशी और पैरासूट वाला नेता यहाँ पे नहीं चलेगा। जुड़ा हुआ व्यक्ति जो लगातार आदरणीय विधायक बृहस्पति सिंह जी काम किए हैं, निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ हैं। पैरासूट वाला नेता यहाँ पे किसी भी रूप में नहीं चलेगा। दरअसल रामानुजगंज विधानसभा से वर्तमान विधायक बृहस्पति सिंह ने दावेदारी की है, वहीं अंबिकापुर शहर से महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने भी रामानुजगंज सीट से ही टिकट मांगी है। रामानुजगंज सीट से अजय तिर्की लगातार टिकट मांगते रहे हैं। वहीं वे उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं और जिस तरीके से विधायक बृहस्पति सिंह एवं TS सिंहदेव के बीच में दरार पड़ी है, ऐसा माना जा रहा है कि TS सिंहदेव के नज़दीकी समर्थक एवं
दो बार से अंबिकापुर के महापौर रहे डॉक्टर अजय तिर्की को इस बार रामानुजगंज सीट से टिकट मिल सकती है। यही कारण है कि मौजूदा विधायक बृहस्पति सिंह के समर्थक डॉक्टर अजय तिर्की का विरोध करने सड़कों पर उतरे हैं। जैसा सुन रहा हूं कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे सम्माननीय सरगुजा महाराज शायद हमारे विधायक जी के पक्ष में नहीं है, जो सुनकर हमारे कार्यकर्ता आज बेचैन होकर आज एकत्रित हुए और सभी ने अपना विचार व्यक्त किया कि नहीं, यहां से बृहस्पति सिंह को ही टिकट दिया जाए ताकि प्रचंड बहुमत से हम लोग इसको जिताएं। सभी आज दिनांक 9 अक्टूबर से जो है आदर्श आचार संहिता जो है प्रभावशील हो गई है। उसी के परिपालन में जो है पूरे अनुभाग के अंतर्गत संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पूर्व में जितने भी सभा रैली की अनुमति जारी की गई थी वो तत्काल प्रभाव से निरस्त हो गई है और उसी के परिपालन में जो भी आयोजित सभा थी उसको स्थगित कराया गया है और संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की जा रही है। कांग्रेस का टिकट बृहस्पति सिंह जी नहीं देह का प्रयास करें और कष्ट करें ताकि हम